Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मशहूर गीतकार फैज अनवर के सॉन्ग ने एक बार फिर से मचाया बॉलीवुड में धमाल। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर हुसैन जैदी, एमएम टाइम्स न्यूज में आप सबका स्वागत। आइए आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है फैज अनवर साहब, जो बॉलीवुड के प्रख्यात मशहूर गीतकार हैं। आज क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, एमएम टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं फैज अनवर जी के स्टूडियो में, जो कि मशहूर लेखक, और हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है, उन्होंने उस गाने में क्या बोल दिए, आज हम उन्हीं से बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फैज भाई, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप बॉलीवुड के एक मशहूर प्रख्यात लिरिक्स राइटर जी, आपके काफी मार्केट में गाने आ चुके हैं जी, बहुत सारे। वो आपकी मुझसे अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या, कौन से फिल्मों में कौन से गाने जी। और रिसेंटली अभी आपने एक अपनी कंपनी एक लॉन्च करी है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जबकि आपके गानों से काफी कंपनियां हाईलाइट हो चुकी हैं, काफी प्रोडक्शन हाईलाइट हो चुके हैं, तो ऐसे में जब खुद आप अपनी कंपनी को लॉन्च करके जो उसमें गाने दे रहे हैं जी, तो कहां तक वो आपकी कंपनी हाईलाइट हो सकती है और कितना मतलब उसमें आप मेहनत करना चाहेंगे, और रिसेंटली आपने उस कंपनी के थ्रू क्या अभी किया है? देखिए, मैंने अपना म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है फेम स्टूडियो, इसका पूरा नाम है फैज अनवर म्यूजिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म रखा है फेम स्टूडियो। अगर आप बोलते कंपनी की बात कि क्या उम्मीद करते हो, क्या होगा, इसे कंपनियां चल रही बहुत सारी मार्केट में, तो वो दौर अलग था जब सीडी कैसेट का ज़माना था, लोग गाने बनाते थे, म्यूजिक बनाते थे, मार्केट में बिकता था डोर टू डोर दुकानों पर या शॉप जो आते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर तकलीफ थी कि आदमी सेल कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में मोनोपोली होती है एक दूसरे की, वो तकलीफ थी। आज दौर बिल्कुल अलग है, आज जिसका माल अच्छा होगा उसका ही बिकेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, दुनिया में कोई भी आके काम कर सकता है, बस मटेरियल अच्छा होना चाहिए, माल अच्छा होना चाहिए। माल मतलब जो, अगर म्यूजिक की दुकान है तो म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, फिल्म की दुकान तो फिल्में अच्छी होनी चाहिए। आपने जो बॉलीवुड की दुनिया में जो स्टार्टिंग से जो आपने कदम रखा जी, उसमें कितनी कठिनाइयां आई सर आपको? अगर सच पूछो तो कठिनाइयां तो नहीं आई मुझे, मैंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, मुझे लोग अच्छे मिलते गए, बहुत कम स्ट्रगल के नाम पर बहुत कम किया, लोग अच्छे मिलते गए। और मैं मार्केट में जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने सबसे पहले किसी दोस्त के थ्रू मिला था शंकर जयकिशन साहब से, शंकर साहब, तो उस वक्त कुछ टाइम के बाद उनकी एक फ़िल्म शुरू हुई दिल का मुसाफिर, उसके लिए मैंने गाने लिखे, दो पार्टनर थे प्रोड्यूसर, आपस में झगड़ा हो गया और फिल्म रुक गई। फिर उसके बाद आरी बर्मन साहब, उनसे मिला, मुलाकात हुई हमारी, कि कुछ हमारे दोस्त थे, ताल्लुकात थे, उनके थ्रू मिला, उनसे भी कुछ सुनाया मैंने अपना, कि मैंने बताया मैं शायर हूँ, लिखता हूँ, कुछ गज़लें सुनाई उन्हें, बहुत पसंद आई, बोले मैं एक फ़िल्म करने वाला हूँ जिसकी ये धुन है उस पर कुछ कर सकते हो, तो उन्होंने एक धुन सुनाई, उस पर मैंने लिखा, धुन पर तुरंत लिख के दिया मैंने 10 मिनट में ऑन द स्पॉट, कि तुम करो वादा दिल ना तोड़ोगे, प्यार की खातिर दुनिया छोड़ोगे। बर्मन साहब बहुत खुश हो गए, उन्होंने फ़ोन किया बख्शी साहब को मेरे सामने, कि यार एक लड़का है यूपी से आया, यंग लड़का है, किसी के थ्रू मिला था, बहुत अच्छा राइटर है, अभी मैंने उसको धुन सुनाई तो उसने टाइटल बना दिया, और टाइटल मैंने प्रोड्यूसर को सुना दिया, रोबिन खुसला साहब प्रोड्यूसर थे, बोले उनको सुना दी, उन्होंने बोला फाइनल, अभी मैंने उनको बताया नहीं कि राइटर कौन है, कि बख्शी तू है या इस लड़के का नाम बोलूँ, तो बोले आप क्या चाहते हो, बोला मैं चाहता हूँ ये लड़का, इसकी भी ख्वाहिश है ये फिल्म दोनों मिलकर आधी आधी लिख लो। बख्शी साहब ने उस वक्त तक मार्केट में उनकी तूती बोलती थी, आनंद बख्शी साहब पूरी फिल्म करते थे, वो पहला दौर था, बख्शी साहब ने आर डी बर्मन के कहने पर वो फिल्म आधी लिखी, फिल्म में 7 गाने हैं, 4 गाने मैंने लिखे हैं, 3 गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं, वो फिल्म थी रोबिन खोसला साहब की तुम करो वादा, वो फिल्म भी किसी वजह से रुक गई, रूप कुमार राठौर के थ्रू में मिला महेश भट्ट साहब से, और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। भट्ट साहब उन दोनों आशिकी फिल्म बना रहे थे, आशिकी गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, सारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे, एक गाना था जिसकी धुन तैयार थी उस पर लिखना था, और उस गाने पर उस दौरान इंडस्ट्री के बड़े बड़े काबिल राइटर शायर लोग काम कर रहे थे, इसमें बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, मैं नाम लेके किसी को मतलब शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, 12-13 राइटर थे,
तो जो सब ज़्यादा भट्ट साहब को पसंद आया था उसमें उस धुन पर वो एक गाना था कैफी साहब का, आओ के प्यार हम करें। अच्छा। पर उनका उनको मज़ा नहीं आ रहा था, अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रही थी, जो बोलते धुन इतनी बड़ी है राइटिंग नहीं मिल रही है। तो मुझे बुलाया भट्ट साहब ने, बोले मियाँ शायरी तो बहुत सुना चुके, आज तुम्हारा इम्तिहान है, बोले ये धुन है इस पर कुछ लिखो। और वो आशिकी फिल्म का आखिरी गाना था, वो धुन मैंने सुनी और 40 मिनट में मुखड़ा और धुन अंतरे पूरा गाना फाइनल किया। और जब गाना सुनाया तो उसके बोल थे, दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। भट्ट साहब बहुत खुश हुए, उसी वक्त निकाल के, पूजा भी थी, पूजा भट्ट साथ में, उनके बैग से 10,000 रुपये निकाल के मेरी पॉकेट में डाले, मैं दिल खोल के सिगरेट पियो, दिल जलाओ, ये गाना तुम्हारा सुपर हिट है, सदियों तक अमर गाना है इंडस्ट्री में, तुम ये मील का पत्थर साबित होगा। मुझे इतना यकीन नहीं था भट्ट साहब जो बोले थे गाना वाकई इतना बड़ा हिट है, अंदाज़ा नहीं था, ये पता था। अब जब गाना रिकॉर्ड हुआ और उसी टाइम 40 मिनट मैंने मुखड़ा और दो अंतरे लिखे, 10 दिन बाद गाना रिकॉर्ड हुआ, तो आपस में बात हुई भट्ट साहब की, गुलशन कुमार से, गुल्लू बोलते थे, यार गुल्लू हमने जो कहानी आपको सुनाई थी इसे प्रोडक्शन नंबर हम 2 कर देते हैं, फिल्म का नाम भी है दिल है के मानता नहीं। इस तरह से वो फिल्म शुरू हुई और जब वो फिल्म रिलीज़ हुई, गाना आया, तो 3 साल तक कंटिन्यूस अमीन सयानी साहब चलाते थे एक प्रोग्राम, आपने सुना होगा, विनाका गीतमाला शायद था ना, विनाका बाद में शिवाका हो गया था, 3 साल तक कंटिन्यूस ये गाना चला, जो भट्ट साहब ने बोला था कि मील का पत्थर है, वो मील का पत्थर साबित हुआ, दिल है के मानता नहीं, और वहाँ से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं, बहुत अच्छा। वैसे तो आप जो है काफ़ी टैलेंटेड कंपोजर जो है, लिरिक्स राइटर माने गए हैं, और ये जो गाने का जिक्र आपने किया है, ये आज भी ये गाना अगर से बजता है तो लोग सारे गानों को भूल कर, दिल है कि मानता नहीं इस गाने को लोग सुनते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। नज्म थी, गाने की तुकबंदी होती, तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूँ, तू भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आजकल वो गाने चलते, तुकबंदी नहीं है, पोइट्री है, शायरी है, एक नज्म है, सहराई नज्म, अंदाज था, उसके अंतरे भी हैं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हों, आओ कुछ ऐसा करें। तो जो अंदाज होता है पब्लिक को, अच्छी पोइट्री, अच्छी शायरी, उस दौर, आज भी जितने भी गाने चलते हैं, ज़्यादातर नए गाने आ रहे हैं, रिगेटन बीट है, कोई आइटम नंबर आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में आज भी जब अच्छे गाने आते हैं लोग सड़कों पर लेते हैं, तो पोइट्री, शायरी, अच्छी कंपोजिशन हमेशा रहेगी, हमेशा चलती आ रही है। तो वैसे बहुत अभी जो है गुजरे भी हैं काफी, अभी लोग राइटिंग कर भी रहे हैं जी, लेकिन आपका जो एक अंदाज बयां है लिखने का, एक शेर व शायरी, उसका एक अलग ही एक अंदाज है। और दूसरी बात की फैज भाई, आपका जो म्यूजिक डायरेक्टर है कंपोजर, आपके जी शायद नहीं, 100% मेरा बेटा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंपोजर है, काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ, घर में सुन रहा हूँ उसको, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा कंपोजर है, बहुत अच्छा सिंगर है, अभी सिंगर लॉन्च होगा कुछ टाइम के बाद, तो मुझे पता जब वो बहुत अच्छा कर सकता है काम, तो बाहर कर सकता था किसी के साथ भी, लेकिन जब मेरा बेटा कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, ये कोई जरूरी है कि टैलेंटेड शायर का बेटा है तो वो संगीतकार या शायर बने, ऐसा कुछ नहीं, गॉड गिफ्ट होता है सारी चीजें जी। तो सर आप ये जो नई जनरेशन है उनको पीड़ित कर रहे हो, आप मौका दे रहे हो जी, उन नई पीढ़ियों को और क्या बात बोलना चाहोगे कि आपके जो नए नए एल्बम आओगे जी, आप उनमें नई पीढ़ी को लेना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल लेना चाहूंगा, मैंने हमेशा नए लोगों के साथ काम किया, हमेशा शुरू से, ज्यादातर अनगिनत संगीतकार, सिंगर, मॉडल जो मेरे एल्बमों से भी लॉन्च किए हैं, विपाशा बासु मेरे एल्बम से लॉन्च हुई, डेनू मोरिया मेरे एल्बम से लॉन्च हुआ, शाहिद कपूर मेरे एल्बम से लॉन्च हुआ, तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे एल्बम से लॉन्च हुए हैं, कई डायरेक्टर हैं, कई संगीतकार हैं, कई सिंगर हैं, जो सब अपना नसीब लिखा के आते हैं, जरिया मैं बना हूँ, मुझे नहीं पता ऊपर वाले को मेरी कौन सी ज़्यादा पसंद है, पर जरिया मैं बना हूँ सबके लिए। नहीं, इस कंपनी का कहा जाए तो उद्देश्य ये है कि जो भी टैलेंटेड कलाकार हैं जो बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं जी, उनको किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, हाँ। लेकिन आपकी कंपनी के द्वारा उन लोगों को जो है ब्रेक मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है जी। और मैं चाहूंगा कि देश के जितने भी लोग हैं कलाकार जो इस चीज में कदम रखना चाहें वो आपके साथ जुड़े और बिल्कुल बिल्कुल जो लोग हैं टैलेंटेड हैं उन सबके लिए मैं करूँगा। अभी जिस फिल्म में गाना गाया है रिहान खान, तनु श्रीवास्तव ने, ये लोग भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक होंगे, हकीकत वो अपनी बताएंगे खुद ही, लेकिन ये लोग भी बिल्कुल न्यू हैं, छोटी मोटी चीज़ें गाई हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से जो गाना गाया आप लोगों ने सुनाई है कि जब भी देखूँ तुझे ऐसा लगता मुझे, लूट लेना कहीं मुस्कुराना तेरा, ये तेरे हुस्न की गुलती रानाइयाँ और अंदाज़ी आशिकाना तेरा, बेहतरीन शायर है,
बेहतरीन कंपोजिशन है, बेहतरीन शायरी है और बहुत अच्छा गाया रेहान खान और तिन्नु श्रीवास्तव ने। बिल्कुल यंग लोग हैं, मतलब पहले इनका मार्केट में कुछ छोटा मोटा कुछ आया होगा मुझे नहीं पता, पर जो गाया है बेहतरीन। एक चीज जो आपके पुराने सॉन्ग जो यादगार है, हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप वो थोड़े बोल गुनगुना दीजिए। मैं सिंगर थोड़े हूँ यार, आपने नहीं है सर। हाँ तो कोई भी गाना, बहुत सारे गाने यार, बहुत सारे हैं। तुम बिन कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जब भी मैं आओगे जब तुम वो साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ही मिले, बहुत सारी इम्तिहान इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊँगा, तेरे चेहरे पर अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा, मैंने दिल तुझको दिया थोड़ा सा प्यार हुआ है, अनलिमिटेड है यार, सबको पता है पब्लिक, वो चीज़ रिपीट करने में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, और मैं दुआ करूँगा कि इसी तरह से आप तरक्की और भी जो मुकाम आपने हासिल किया है अभी तक उससे और भी ज़्यादा ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया। चलो दुकान का जैसा कि आपने खुद ही सुना, मशहूर लिरिक्स राइटर फैज़ अनवर साहब की ज़ुबानी कि किस तरह से बॉलीवुड में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, और साथ ही उनके साहबजादे फरजान फैज़ ने एक अच्छा मुकाम बनाया है बॉलीवुड में। और इसी के साथ और भी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।